इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर परमेश्वर लाल सैनी हुए ट्रैप, एएनएम के स्थानांतरण को लेकर मांगी रिश्वत। अमृतसर में 50 लोगों की रेलगाड़ी की चपेट में आने से हुई थी मौत, कैंडल मार्च निकालकर मृत लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। झुंझुनू में पुलिस शहीद दिवस पर शहीद का हुआ सम्मान, पचेरी छोटी के भूप सिंह यादव का हुआ सम्मान। और लोहावट में अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ा शिलापट, शिलापट पर नहीं लिखा गया था प्रधान का नाम। और अब खबरें विस्तार से। विजयदशमी के दिन दशहरा देख रहे पंजाब के अमृतसर में 50 लोगों की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए सभापति महावीर मोदी के नेतृत्व में कल नगर परिषद से अहिंसा सर्कल तक कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सभापति ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अमृतसर में जो बड़ा हादसा हुआ है वह बड़ा दुखदाई है, पूरा बूंदी शहर उनसे आत्मिक श्रद्धांजलि देता है और हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नगर परिषद से अहिंसा सर्कल पर कैंडल मार्च निकाला गया है, जहां हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के समापन पर कल शाम को एक बड़ी रैली होनी थी, लेकिन आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने रैली के लिए मिली स्वीकृति को रद्द कर दिया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले कल पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां देकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी क्रम में झुंझुनू के अंबेडकर पार्क में भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने पहले नारेबाजी की और फिर गिरफ्तारियां दी। इस दौरान एक बार फिर जेएनयू की तरह देश की आजादी पर सवाल उठाए गए। नारों में कार्यकर्ताओं ने देश को मिली आजादी को भी झूठी बताया और कहा कि ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी है। इस तरह के विवादास्पद नारे लगाकर एक बार भी संगठनों ने चेता दिया कि देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आगाज राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए आज आर्टिकल 19 के तहत हमको हमारा वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए गुजरात में जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, ये देश के अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लास और इनसे धर्म परिवर्तित मूल निवासी किसान युवा मोर्चा जो आज पूरा सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, इस परेशानी की वजह से आज 2 तारीख का आंदोलन हुआ। लोगों की परेशानी होती है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है सरकारों के द्वारा जो है, तो अपनी बात रखने से भी उनको जो है परमिशन आज की कार्यक्रम की परमिशन उनके पास थी, वो सरकार के दबाव में आकर के गुजरात में साबरमती फ्रंट पर उसकी परमिशन को रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर के उनके आह्वान पर वामन मेश्राम जी के आह्वान पर पूरे भारत में ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। लोहावट में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के शिलान्यास के दौरान लगाए गए शिलापट को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। इस आरओबी का शिलान्यास वन पर्यावरण खेल मंत्री और लोहावट विधायक गजेंद्र सिंह खेवसर और जोधपुर जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने किया था। गौरतलब है कि मंत्री खेवसर और लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल के बीच पिछले लंबे समय से लड़ाई चल रही है। इसके चलते प्रधान बेनीवाल के खिलाफ अपनी ही भाजपा पार्टी के ही सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण पास नहीं हो सकता था। उसके बाद से ही दोनों के बीच खींचतान जारी है। अब शिलापट पर विधान का नाम नहीं लिखा गया था। ग्रामीण कयास लगा रहे हैं कि नाम नहीं लिखे जाने के कारण ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिलापट तोड़ा है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने अब तक इसको लेकर कोई प्राथमिकी थाने में नहीं दर्ज करवाई है। ब्राह्मण महासभा संघ जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपुरोहित ने अपने ही निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा से अपनी प्रबल दावेदारी जताते हुए कल मकारों को बताया कि पिछले 10 सालों से वह पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
2013 के चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब दोबारा 2018 में भी जीत दिलाने में तन मन धन से साथ देंगे। चाहे पार्टी किसी भी उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में चुने, उनका फैसला हमारे लिए सर्वमान्य होगा। वर्तमान राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी 78 वर्ष के हो गए हैं। जनता की मांग के अनुसार क्षेत्र से पार्टी को एक नया और युवा चेहरा सामने लाना चाहिए। राजपुरोहित ने यह भी बताया कि आसोतरा ब्रह्मा धाम में सीएम वसुंधरा राजे से वार्ता के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजपुरोहितों की इस बार अपेक्षा नहीं होगी और अब 36 कौमों की सहमति और गुरुदेव से आशीर्वाद दावेदारी जताया जा रहा है। विकास के मुद्दों पर उन्होंने बताया कि राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने क्षेत्र से बहुत से विकास कार्य कराए हैं और पचपदरा रिफाइनरी में क्षेत्र के प्रत्येक घर में से एक को रोजगार दिलाने का मेरी प्राथमिकता होगी। इस विधानसभा में पिछली बार 2013 में भारतीय जनता पार्टी विन होकर हमने विधानसभा तक पहुँचाया और अभी इस बार भी हम तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर, सबको साथ में रखकर हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी भूमिका धरातल भी तैयार कर चुके हैं। दावेदारी कोई भी करो, दावेदारी करने का सबको हक है, लेकिन हकीकत धरातल पे आज के समय में जिस प्रकार से मैं पिछले 10 वर्ष से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, 98 में मेरी ज्वाइनिंग है भारतीय जनता पार्टी की। कमल मुनी जी जब यहाँ इलेक्शन लड़े थे उस समय मैं ज्वाइनिंग की थी और आज दिन तक कैसे भी कितने भी बड़े पहाड़ भी पड़े भारतीय जनता पार्टी के इस विपक्ष वालों ने, तो भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में तन मन धन से रहा हूं। आगे भी पार्टी जैसा भी आदेश करे मैं पार्टी के साथ हूं। राठौर दिल्ली गोलानी कुलदेवी जन सेवा समिति बूंदी द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम का राठौर तेली समाज के जिलाध्यक्ष युवराज राठौर की मुख्य अतिथि और छात्रावास समिति के अध्यक्ष गणेश लाल नैनावा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवराज राठौर ने कहा कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार का आधार कुल और गोत्र होता है। विविध कारणों और परिस्थिति वर्ष देश के कोनों में बिखरे हुए सभी गोत्र बंधुओं को एकजुट करने का ये सराहनीय प्रयास है। कुलदेवी के नाम से प्रकाशित ये स्मारिका केवल गोत्र बंधुओं के लिए ही नहीं, सभी समाज बंधुओं के लिए प्रेरणा स्तंभ है। कार्यक्रम और समिति का परिचय देते हुए संयोजक भवरलाल राठौर ने बताया कि वर्ष 2002 में राठौर समाज के गोलानिया गोत्र के समाज बंधुओं को एकजुट करने और एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य के साथ इस समिति का गठन और कुलदेवी मंदिर का जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया गया, जिसके तहत सभी गोत्र बंधुओं के आर्थिक सहयोग से कुलदेवी के मंदिर का जीर्णोद्धार और नवीन प्रतिमाओं का लोकार्पण और निःशुल्क विवाह सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर जीर्णोद्धार में सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर हड़ौती के अतिरिक्त संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित सभी क्षेत्रों से आए समाज बंधुओं, महिला पुरुष मौजूद रहे। चिड़ावा अस्पताल में कार्यरत BCMHO डॉक्टर परमेश्वर लाल सैनी चढ़े ACB के हत्थे और 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप हुए। ACB CI हवा सिंह ने बताया कि ANM इंदु जाट स्थानांतरण को लेकर 5000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 1000 रुपए BCMHO ने पहले ही एडवांस ले चुके थे। इस संबंध में प्रार्थी के ससुर धर्मवीर सिंह ने ACB में लिखित शिकायत दी। इसके बाद मामले का सत्यापन करवाया गया और कल ACB ने जाल बिछाकर अस्पताल परिसर में ही 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ANM इंदु धतरवाला के सब सेंटर पर कार्यरत थी और BCMHO डॉक्टर परमेश्वर लाल सैनी ने उसके दूसरी जगह पद स्थापित करा दिया, लेकिन ANM इंदु ने वापस धतरवाला गांव में ही तैनाती को लेकर BCMHO से बात की तो BCMHO 5000 की रिश्वत मांगी थी। इसी मामले में अब BCMHO डॉक्टर परमेश्वर लाल सैनी को ACB ने गिरफ्तार किया है। धर्मवीर सिंह की पुत्र वधु ANM के पद पर धतरवाला सब सेंटर पे कार्यरत है, जिसका मूल पद स्थापन वहीं है, उसको BCMO ने दूसरी जगह पे पद स्थापित कर दिया था। इन परिवादी को इस हेतु दिक्कत हुई तो उसने उसका स्थानांतरण वापस उसी स्थान पर करवाने के लिए BCMO श्री परमेश्वरलाल सैनी चिड़ावा से संपर्क किया। उन्होंने 5000 रुपये की डिमांड की, 1000 रुपये उसी वक्त ले लिए। उसके पश्चात दोबारा पैसे देने से पहले परिवादी ने ब्यूरो झुंझुनू पर संपर्क किया। दिनांक 18 को परिवादी की शिकायत पर
सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा लिखित में दी गई शिकायत हूबहू सही पाई गई। आज ट्रेप पार्टी का आयोजन कर BCMO श्री परमेश्वर लाल सिंह 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है। पाली जिले के मावड़ उपखंड से 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध राजा बलि मंदिर रानावास की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिल भारतीय सरगरा समाज के लोग उपस्थित हुए। बीते रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ और कल प्रातः 7 बजे राजा बलि की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर समस्त सरगरा समाज के 52 पट्टियों के अखिल भारतीय सरगरा समाज के लोग सम्मिलित हुए। इस विशेष आयोजन में अनेकों बोलियां भी लगाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झुंझुनू के पचेरी छोटे निवासी शहीद भूप सिंह यादव को ITBP के जवानों ने घर पर आकर पुलिस शहीद दिवस की बधाई दी और अपने शहीद साथी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवार के लोगों की ओर से इस मौके पर गांव के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, जो शहीद भूप सिंह यादव के नाम से ही है। इस मौके पर ITBP के जवानों ने परिवार की समस्याएं भी सुनी और हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया। आपको बता दें कि शहीद भूप सिंह यादव 7 जुलाई 1977 में जन्मे थे। इसके बाद वे 21 अक्टूबर 1999 में ITBP में भर्ती हुए और 28 जनवरी 2011 में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। वे यहां पर 35वीं बटालियन में कार्यरत थे। शहादत के बाद भूप सिंह यादव को 2012 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से शहादत के उपरांत सम्मानित किया गया था। एक 2011 को मेरे पापा जी शहीद हुए, वह देश के लिए शहीद हो गए, रक्षा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोली लगी गर्दन पर, इसलिए शहीद हो गए। कल ये बस वरकाई थी, मार सम्मान करो, गिफ्ट देख के गया और प्रसाद बांट के गया और आया था। 8 साल पहले शहीद है भाई। आदमी तो बनाए था, स्कूल का बच्चा था, जनानी थी, बीरवानी थी और पता कौन करे गांव में तो नहीं गणाए जाता, सब कुछ करें जो गणाए जैसे बहुत आदमी हम। सिरोही जिले के आबू रोड में सोमवार की रात को राजकोटी में एक निजी इवेंट कंपनी द्वारा गरबा प्रोग्राम का आयोजन रखा गया था, जहां गुजरात की प्रसिद्ध सिंगर किंजल दवे प्रस्तुति देने आई हुई थी और आयोजकों द्वारा आचार संहिता लागू होने के बावजूद नियमों की अवहेलना करते हुए रात 10 बजे बाद भी प्रोग्राम को जारी रखा। वहीं आयोजकों द्वारा पूरे कार्यक्रम में घोर लापरवाही बरती गई। आयोजन स्थल पर वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गो पर लोगों ने अपने अपने वाहन खड़े किए। सड़क पर वाहनों के खड़े होने से चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन रही थी। तहसीलदार अनूप सिंह ने बताया कि नियमों के विपरीत आयोजकों द्वारा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। आयोजकों द्वारा इसके लिए 200 रुपए का टिकट रखा गया था। प्रशासन ने नियमों की अवहेलना होने पर कार्यक्रम को बंद करवाया। भारत विकास परिषद शाखा इंदौर सिटी द्वारा रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत निर्मल महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष शर्मा, प्रांतीय संस्कार प्रभारी मनीष आर्य ने बताया कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो, वह रक्तदान कर सकता है। प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेंद्र डागोर और सक्षम प्रांतीय सह सचिव सुनील सिंघल ने कहा कि रक्तदान ही महादान होता है, क्योंकि ये मानव जीवन को बचाता है। आधुनिक विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर मानव रक्त को फैक्ट्रियों में बनाने में कोई तकनीक आज तक विकसित नहीं हुई है। बूंदी में सड़क के पैचवर्क में अनियमितताओं के विरोध में दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर PWD कार्यालय पर भाजपा नेता गौरव शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता सुरेश बैरवा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि बरसात के बाद खस्ताहाल सड़कों के पैचवर्क का कार्य बड़ी ही अनियमितताओं और लापरवाही भ्रष्टाचार से किया जा रहा है। विशेषकर तालेड़ा से सुवासा सड़क के विशेष लापरवाही बरती जा रही है, जिससे वहां की जनता में गहरी नाराजगी है। मीडिया भी काफी खबरें इस बारे में प्रकाशित कर चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि दोषी अधिकारी और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और समस्त क्षेत्र में पैच वर्क और मरम्मत कार्य की जांच करवाई जाए, नहीं तो आमजन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होगी।
पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, जिस तरीके से इनकी रिपेयरिंग की जा रही है, पेचवर्क का काम किया जा रहा है, जुलाई से सड़कें उधड़ना चालू हो जाती है और ठेकेदार और अधिकारियों का मिला हुआ गठजोड़ है। हर बार गिने चुने ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है और उस काम के अंदर रिपेयरिंग घटिया की जाती है। छपाहौदा, खलूंदा, बड़ूंदा, तेलूंदा, डगलाहौदा, इन सब गांवों के अंदर जाने वाले लोग रोज गिर रहे हैं। अखबारों के अंदर खबरें आ रही है, कभी कोई मोटरसाइकिल चालक गिर रहा है, कोई ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई ट्रैक्टर के नीचे आ रहा है। उसके बावजूद इन अधिकारियों की संवेदनशीलता, ये आंख मूंद कर बैठे हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।